नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। एएसआई वालों के लिए, एएसआई बोले तो स्टेने वालों के लिए और टाइपिंग वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है। सीआईएसएफ और बीएसएफ, बीएसएफ का आपने पहले भी देख लिया होगा, सीएसएफ का फॉर्म आ जाया है और दोनों में ही देखा जाए तो एएसआई और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पद बहुत अच्छा पद है। 853 टोटल पद हैं, तो एक बार इस पद को एक बार आप अच्छे से समझ लो और इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देता हूं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। इस पूरी वीडियो में मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, एज के बारे में, पोस्ट कितना है, सिलेबस क्या है, स्ट्रेटजी, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, कट ऑफ सब के बारे में बताने वाला हूं। तो मुश्किल से 5-10 मिनट की वीडियो में अभी समझना कि अभी जैसे एएसआई वाले बच्चे हैं जो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के लिए परेशान है कि वो निकाल नहीं रहे, उनके लिए स्टेनो और टाइपिंग के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है। अन्य भी जो इसमें अपना करियर बनाना चाह रहे हैं उन लोग के लिए तो बहुत अच्छा है। क्या इन सारी चीज को मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि किसके द्वारा निकाली गई है वैकेंसी। ये सीआईएसएफ के लिए अभी आज ही उसका विज्ञप्ति आई हुई है। 26 तारीख से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, 26 सितंबर से। और बीएसएफ इसका हालांकि फॉर्म क्लोज हो गया है, बट दोनों का ही सिलेबस लगभग सेम है, पैटर्न लगभग सेम है, सारी चीजें सेम है। और खासकर जब आप स्टेनो की तैयारी कर रहे होते हो या फिर टाइपिंग की तैयारी कर रहे होते हो तो आपको बाकी चीजों से मतलब नहीं, केवल स्किल से मतलब होता है, एलिजिबिलिटी से मतलब होता है। तो संपूर्ण जानकारी मैं आपको एक बार देते चलता हूं। एक बार आप देख लो कि टोटल पद कितने हैं। सैलरी की बात करें तो जो स्टेनो का बेसिक पे है वो 29,200 से लेकर जो पे स्केल है 92,300 है। ये चाहे आप सीआईएसएफ की बात करो, ये चाहे आप बीएसएफ की बात करो, दोनों के लिए ही सेम ही बेसिक पे है। और स्टेनो के टोटल 123 पद हैं दोनों विभाग मिलाकर। दोनों के ही फॉर्म जो है 100-100 रुपए के हैं। फॉर्म आप भर सकते हो, 100 रुपए कोई बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। टाइपिस्ट के टोटल 730 है और हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग के लिए है। इंग्लिश में जैसे हमेशा 35 वर्ड पर मिनट मांगता है और इसमें हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट मांगेगा। केंद्र की वैकेंसी है तो इसमें रेमिंगटन गेल या फिर मंगल इंस्क्रिप्ट मांगेगा और यहां पे ऐसा कुलदेव का कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। तो सीआईएसएफ में जो टाइपिंग का पोस्ट है ये 418 है, बीएसएफ में जो है 312 है। इस पद को जो सीआईएसएफ स्टेन वाले पद को बोलते हैं एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, आप पहले से भी इस चीज को जानते हो। और जो यहां पे टाइपिंग वाला पद है इसे बोलते हैं SCM, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बोलते हैं। तो ये देख लो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है एएसआई स्टेनो के लिए। इसमें शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट हर जगह वही मांगता है और उसके बाद 10 मिनट में आपको क्या करना रहता है, हिंदी में टाइपिंग करना रहता है। शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और इन हिंदी इन 10 मिनट्स में आपको दिया रहेगा, मतलब 800 वर्ड लगभग बोला जाएगा डिक्टेशन में। और उसके बाद उसका ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा जो डिक्टेशन होगा इंग्लिश या हिंदी में। इंग्लिश के लिए 50 मिनट मिलेगा और हिंदी के लिए 65 मिनट मिलेगा और ये कंप्यूटर पे करना होगा टाइपिंग, ये मैं आपको पहले बता दूं। ठीक है, एससी जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए है टाइपिंग होना है, इसके इंग्लिश के लिए 35 वर्ड पर मिनट है और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट है। बाकी सारी वही चीजें लिखी है, की डिप्रेशन पर आर के हिसाब से 10,500 आएगा और इसका इंग्लिश वाले का 9,000 आएगा। केडीपीएस की अगर हम बात करें, इसमें जो टोटल टाइम मिलेगा, टोटल 10 मिनट टाइम मिलेगा और मैं आपको बता दूं कि इसमें 10% एरर अलाउड भी होता है। इसके अतिरिक्त यदि आप गलती करते हो टाइपिंग में तो एक गलती पे आपके 10 वर्ड क्या हो जाते हैं, रिड्यूस कर दिए जाते हैं, इस हिसाब से चलता है। तो 10% आपको एरर अलाउड होता है, इसमें भी बहुत होता है ऐसा। बाकी सारी चीजें इसे हम डिस्क्लोज करके देख लें तो बाकी ये मैं सीआईएसएफ का आपके सामने लेके आया हूं और बीएसएफ का भी लगभग सेम है क्योंकि इसका फॉर्म डिस्क्लोज हो चुका है, तो बहुत ज्यादा उसके बारे में हमें चर्चा करने का मतलब नहीं कि फॉर्म क्या कैसे है इसका। आप सीआईएसएफ का सुन लो कि 26 तारीख से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, 26 तारीख से इसके फॉर्म भरे जाएंगे 26 सितंबर से, और जो इसकी लास्ट डेट है वो 25 अक्टूबर है, लेकिन उसने साफ साफ बोल दिया है कि लास्ट डेट तक आप रुको ना। वेबसाइट वैसे भी क्या हो सकता है, वहां पे सर्वर डाउन हो सकता है और होता ही है जहां पे फॉर्म ज्यादा अप्लाई होते हैं, केंद्र की वैकेंसी है। एज जो है वो 18 से 25 है, इस बात का ध्यान देना। और जो लास्ट डेट काउंट है वो फॉर्म भरने के लास्ट डेट पे है, मतलब 25/10/2022 के लिए है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 26/10/1997 से लेके 25/10/2004 तक, मतलब 2004 के बाद के ना पैदा हुए हो और 1997 के पहले ना पैदा हुए हो, ऐसा आपका एज का क्राइटेरिया है। अगर हम इसमें सीआईएसएफ वाले में देखें तो जो एएसआई का है, स्टेनोग्राफर का है, उसमें 122 पद टोटल हैं और इसके बारे में अगर हम अच्छे से जानकारी देखें तो एलिजिबिलिटी केवल इसमें 10+2 है, मतलब आप केवल क्या हो, आप केवल 12th पास हो बस। आपको क्या आना चाहिए, स्टेनो आना चाहिए, तो सिंपल सी बात है इसमें अप्लाई वही करेगा जैसे स्टेनो या टाइपिंग आएगी, अन्य कोई अप्लाई करने नहीं जाएगा। बाकी मैंने सारी चीजें बोल ही दिया है, 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको 10% डिटेक्ट किया जाएगा, उसके बाद
उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन आपका 50 मिनट मिलेगा इंग्लिश के लिए और 65 मिनट मिलेगा हिंदी के लिए। हाइट इसमें क्या होगा, पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होगा। तो हाइट जो होना चाहिए मेल के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी सबके लिए इसमें हाइट का रिलैक्सेशन भी है, जैसे ये जनरल के लिए है, एससी एसटी जो है उनके लिए आपका रिलैक्सेशन भी है, वो जैसे नॉर्म्स होते हैं उसी अकॉर्डिंग है। या फिर कोई ऐसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट से बिलोंग कर रहा है या फिर गढ़वाली ऐसे टाइप में कुमाऊं क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनको भी हाइट का रिलैक्सेशन दिया जाता है। चेस्ट केवल मेल के लिए होता है, फीमेल के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है, लेकिन वेट होता है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें वेट तो आपका मेजर कर लिया जाएगा। इस वैकेंसी में एक चीज समझना कि जो चयन का प्रक्रिया है वो थोड़ा उल्टा है। इसमें सबसे पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है ना। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो चेक किया जाएगा, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा। तो रिटन टेस्ट आपका इसमें सबसे लास्ट में होगा और इसमें क्वालिफाई करने के बाद आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। तो यहां पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, साथ में ही आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सारी चीजें होती रहेंगी, एक ही दिन में हो जाएगा। फिर आपका रिटन एग्जाम होगा और फिर आपका मेडिकल होगा। चाहे हम सीआईएसएफ की बात करें चाहे बीएसएफ की बात करें, दोनों में मैं आपको रिटन एग्जाम का क्राइटेरिया क्या है ये बता दूं। सीआईएसएफ में भी 100 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसमें 25 आपका हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश में से कोई भी आप एक जो चूज करोगे वो होगा। उसके बाद 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का होगा, 25 क्वेश्चन आपका मैथ्स का होगा और 25 क्वेश्चन जो आपका होगा वो जीएस का होगा। जबकि बीएसएफ वाले में क्या है, बीएसएफ वाले में 5 पार्ट है, 5 पार्ट में इसमें 20-20 क्वेश्चन का डिवाइड किया गया है। 20 आपका मैथ्स है, 20 आपका ऐसे रीजनिंग है, ऐसे ही आपका 20 जो है ये इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक चूज कर लो। 20 आपका क्या है, कंप्यूटर नॉलेज है, कंप्यूटर पूछेगा। और 20 इसमें अलग से दिया है क्लेरिकल नॉलेज, 20 इसमें दिया है क्लेरिकल नॉलेज। इसमें मैं आपको बता दूं इसमें जीएस नहीं पूछा जाएगा। क्लेरिकल नॉलेज मतलब ये हो गया, ये रीजनिंग जैसा ही टेस्ट है, जैसे रेलवे में साइकोमेट्रिक टेस्ट थोड़ा बहुत होता है, आप ऐसे बोलो जो नॉन वर्बल रीजनिंग होता है उस टाइप से प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको सिमेट्री का ज्ञान है कि नहीं है, पेपर फोल्डिंग टाइप में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं क्लेरिकल नॉलेज में। तो 100 यहां पे भी है, 100 यहां पे भी है, दोनों में लगभग सेम है पेपर का पैटर्न और बहुत ही आसान है इस चीज को निकालना भी, ये बात आप समझना। हेड कांस्टेबल का जो है वो 418 पद है और इसमें भी वही 12th ही मांगा गया हुआ है। कंप्यूटर टाइपिंग इंग्लिश के लिए 30, 35 और हिंदी के लिए 30 पर मिनट। हाइट आपका सेम है, चेस्ट आपका सेम है, महिलाओं के लिए कोई चेस्ट का नहीं है। तो इसमें कोई रनिंग वगैरह नहीं होना है, कोई जंप नहीं होना है, केवल आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। मतलब आपका हाइट नापा जाएगा, आपका वेट लिया जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि यहां पे आप बाकी पीएसटी में अगर यहां पे डिस्क्वालीफाई हो जाते हो तो आगे चरण के लिए आपका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होगा। लेकिन वेट का कोई ऐसा नहीं है, वेट आपका सबसे लास्ट में जो कंसिडरेशन लिया जाएगा कि इसके बिहाफ पे आपको फिल्टर आउट करें या ना करें, वो सबसे लास्ट में होगा वेट का। आपका पीएसटी भी हो जाएगा, वेट वहीं पे नाप लेंगे, लेकिन एक बार लास्ट में जब पूरी चयन प्रक्रिया हो जाएगी उसके बाद आपका वेट मेजरमेंट किया जाएगा और फिर वहां पे। तो ये आपका एक फायदा भी है कि कोई ज्यादा वेट हो या अंडर वेट हो तो आपको समय मिल जाएगा वेट अपना मेंटेन करने के लिए। बाकी सारी प्रक्रिया आपका वही है। जॉब बहुत अच्छी है, मैं आपको बता दूं, ये आपको वर्दी तो मिल रहा है। सीआईएसएफ बीएसएफ का नाम सुनकर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन घबराने वाला कुछ ऐसा है नहीं। इसमें आपको वर्दी, जैसे आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आपने देखा ही, इसमें वर्दी तो आपको वैसा मिलता है, बट जो जॉब होती है वो क्लरिकल पोस्ट की होती है, ऑफिस पोस्ट होती है। जो यहाँ पे आपका मेनली पोस्टिंग होगा वो दिल्ली हेड ऑफिस में ही होगा या अन्य राज्यों में भी हो सकता है, जो उनके रीजनल ऑफिसर्स होते हैं वहां पे होता है। हर आप देखोगे हर स्टेट में जो उनका एक हेड ऑफिस होता है, ठीक है, वहां पे भी उनकी पोस्टिंग होती है, लेकिन ऑफिस जॉब ही है, आपको फील्ड जॉब नहीं है। तो बहुत अच्छी जॉब है और सबसे अच्छी बात है 10-5 या 10-6 ही जॉब है, इससे ऊपर नीचे हेक्टिक जॉब भी नहीं है। वर्दी में मिलेगी सारा सैलरी, सारा एनुमरेशन, सारा आपको अलाउंसेस, सब कुछ वैसे मिलेगा, सारे लाभ वैसे मिलेंगे और आपके जॉब भी है वो बहुत ही आरामदायक है। तो जो स्टेनो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एएसआई वाले टाइपिंग वाले हमसे जुड़े हैं, वो चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ से जुड़े हों या फिर एएसआई से जुड़े हों यूपी पुलिस के, या फिर अगर हम बोले यूपी पीसीएल से जुड़े हों, तो सभी के लिए एक 100-100 रुपए का फॉर्म है। आपको सेम चीज यहां पे भी तैयारी कर लो, सेम चीज वहां पे भी तैयारी कर लो, कुछ अलग से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज आप और समझना कि अगर आप इसकी तैयारी, जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसका बैच लाओ उसका बैच लाओ, तो मैं एक बात बोलूंगा कि देखो सब इसका सिलेबस सब कुछ सेम है, कुछ अलग से आपको पढ़ना नहीं है। तो अलग से आप मैं बैच निकालूं, अलग से आपको फिर वो फीस लूं, वो कोई मतलब नहीं है। एक काम मैं आपको करूंगा कि जो मिनिमम उससे पॉसिबल हो सकता है, इन सभी का एक मैं पोस्ट निकाल दूंगा स्टेनो
एंड टाइपिंग स्पेशल है ना, स्टेनो एंड टाइपिंग स्पेशल एक पोस्ट निकाल दूंगा। वैसे भी बहुत सारे बच्चों का डिमांड होता है सर केवल कंप्यूटर या इन सब का निकाल दो। तो ये पूरा सिलेबस जिसमें मैं आपको बता दूं, जिसमें आपको मैथ्स भी दे दिया जाएगा, जिसमें आपको रीजनिंग भी दे दिया जाएगा, रीजनिंग के साथ आपको जीएस भी दे दिया जाएगा, हिंदी भी इसमें दे दिया जाएगा, इंग्लिश भी इसमें आपको दे दिया जाएगा, मतलब जितना भी दोनों मिला के जितना भी पूछा जा रहा है सब कुछ इसमें आपको मिला दिया जाएगा। इवन क्लरिकल नॉलेज वाला जो है वो भी कुछ पार्ट आपको करा दिया जाएगा, ये नहीं होगा तो इसका लाइव क्लास करा दिया जाएगा। ये बाकी फॉर्म आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में जो वीओडी बैच है वो दे दिया जाएगा, मिनिमम शुल्क में दे दिया जाएगा। इसका 299 रुपए में वीओडी बैच लगा दिया गया है। तो इसे आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाके अगर इस बैच को लेना चाहो तो परीक्षा प्लस ऐप पे जाके इस बैच को परचेज कर सकते हो, है ना। बाकी बीच बीच में देखो लाइव क्लासेस तो इसमें नहीं होगा, मैक्सिमम क्लरिकल नॉलेज का होगा। या हम इसमें क्या करा देंगे आपको लाइव क्लासेस, लाइव के दरमियान आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा देंगे, आपका जो गाइडेंस होगा वो पूरा आपका हो जाएगा, जूम मीटिंग या गूगल मीट के थ्रू आपका जो भी मार्गदर्शन हो सकता है वो सारा कुछ यहाँ पे लाइव के फॉर्म में हम आपको करवा देंगे। बाकी जो कॉन्सेप्ट है समय भी कम मिलता है, वैसे ये सारी वैकेंसी अगर देखा जाए तो एसएससी के थ्रू भी आती है, लेकिन जब ये इंडिविजुअल निकालते हैं तो बहुत तेजी से इनका चयन होता है, उसके से 6-7 महीने में सब कुछ फाइनल कर देते हैं। तो एक बार अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर्म भर दीजिए और तैयारी आप करते रहिए, जैसे सबकी तैयारी कर रहे हो ऐसे ये भी तैयारी करते रहो, बहुत हेक्टिक होने की जरूरत नहीं है। आपका स्टेनो की प्रैक्टिस वही रहेगी, टाइपिंग की प्रैक्टिस आपकी वही रहेगी, एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो इसमें बुराई क्या है। एक बार मैं इसको अगर आप ये देखना चाहो कि इसका जो विज्ञप्ति है जो फॉर्म है वो मैं आपको दिखा दूं, हालांकि मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज बता दी है, कुछ इसमें जानने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी ये आप जाके इनकी वेबसाइट पे विजिट करके या सरकारी रिजल्ट पे जाके आप इनका नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ सकते हो। बाकी जो भी इसके बारे में जानकारी होगी मैं आपको बताता रहूंगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप हमें उसका क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसका उत्तर आपको दे दिया जाएगा या इस प्रकार से अलग से एक वीडियो भी उसके लिए बना दी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगी और आप अपनी तैयारी एक सही दिशा में लेके भी जाओगे। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत आभार।